यूपी के बुलंदशहर में जटवाई से भीमपुर दोराहा वाया अनूपशहर सड़क का निर्माण विश्व बैंक योजना के तहत करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि 36 किलोमीटर की सड़क 171 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी, लेकिन सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं और सुरक्षा मानकों की भी पूरी तरह अनदेखी हो रही है। कार्यदायी संस्था की लापरवाही से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। अब तक सड़क हादसों में दर्जन भर मौत हो चुकी है। इस दौरान मखैना नहर रोड पर स्थानीय विधायक संजय शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी व गुणवत्ता विहीन निर्माण को देख अनूप शहर विधायक संजय शर्मा भड़क गए। गुस्साए विधायक ने अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता विश्व बैंक डिवीजन को कार्यदायी संस्था के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। SEA के गुप्ता ने बताया कि कार्यदायी संस्था को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। सड़क हादसों व सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर कार्यदायी संस्था के खिलाफ FRI दर्ज करवाई जाएगी। देखिए बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। विधायक जी, जटवाई से लेकर भीमपुर दुराई तक 36 किलोमीटर की ये जो करोड़ों रुपए की लागत वाली सड़क परियोजना है, जिसमें आपका काफी प्रयास रहा है, तो अब इस समय जो सड़क निर्माण चल रहा है, इसमें आपकी क्या शिकायतें हैं? मेरी शिकायतें मैं काफ़ी दिनों से विभाग को लगातार लिखित में देता रहा हूं, और इस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो PWD के मंत्री हैं, उनके साथ भी हमारे जो अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता हैं, उनको लेकर के बैठक हुई है। इसमें सबसे बड़ी जो शिकायत है गुणवत्ता के अलावा, वो ये है कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं रखे गए हैं। ये एक बहुत अच्छी कीमत पर सड़क बन रही है, एशियन विकास बैंक का इसमें पैसा लग रहा है, और सेफ्टी के मेजर्स की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। सड़क के किनारे दो दो फिट ढाई ढाई फिट गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, और वहाँ पर कहीं कोई ना कोई निर्देश होता है, ना कोई सुरक्षा का कोई बैरिकेडिंग होती है, जिससे कि और उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। अब तक लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है सड़क के बनने के दौरान। तो आज मैंने SE साहब को और XN साहब को बुलाया था, और हम अचानक आए जब यहाँ पर मखैना पर, तो देखा यहाँ भी ये करीब 50-60 मीटर लंबा कर्व पे, जहाँ सड़क मुड़ रही है मोड़ पर, भी बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, बैरिकेडिंग के, ये करीब 2.5 फीट गहरा गड्ढा इन्होंने खोद रखा है, 50 मीटर लंबा 100 मीटर लंबा। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी मैं अधिकारियों से मैंने कहा इस पर कार्रवाई करिए, ठेकेदार पर ये जितनी मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार ये है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी बैक टेस्टिंग का। विधायक, इस स्वच्छा बिंदुओं को लेकर आपके द्वारा अनेकों बार इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे, और आज भी आपको वही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं अभी यहाँ पर ऐसी हैं, एक्सीन है, इसके खिलाफ आज पूरी रिपोर्ट बनवाएंगे, और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करवाएंगे, चाहे वो ब्लैकलिस्टिंग की हो, चाहे इस पर पेनल्टी की हो। अरे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप यहीं धरने पर बैठेंगे? नहीं, मेरा धरना नहीं है, मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, कार्रवाई करवा रहा हूँ। साहब, ये करोड़ों रुपये की लागत से जटवाई से लेकर भीमपुर दुराई तक जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसमें गुणवत्ता को लेकर तथा निर्माण के दौरान स्वच्छा प्रबंध से प्रकाशित न किए जाने को लेकर माननीय विधायक जी द्वारा और नागरिकों द्वारा कई बार शिकायतें आपके सामने की जा सकी हैं। आपके द्वारा भी कई बार निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ठेकेदार या निर्माण कार्यदायी जो संस्था द्वारा, उस पर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस संबंध में आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है? मैं इनको लगातार सुरक्षा के मानकों का पालन करने के लिए लेटर लिख रहा हूं, इनके खिलाफ पेनल्टी की कार्रवाई की गई है, और जो मटेरियल इनका ख़राब पाया गया उसको रिजेक्ट किया गया है। कई जगह आपने देखा होगा सड़क भी फड़वा दी है मैंने, और कई चीज़ें इनकी तोड़ दी जाती हैं। अब आज जो इन्होंने 50 मीटर का भी गड्ढा खोदा है, इस पर मैं निश्चित रूप से अभी कड़ी कार्रवाई के लिए इनके खिलाफ लिख रहा हूँ, और माननीय विधायक जी से के साथ आज जो औचक निरीक्षण हुआ है, उससे निश्चित रूप से इस मार्ग के निर्माण में, गुणवत्ता में और तमाम जो सुरक्षा की कमियां हैं उसमें सुधार होगा। SE साहब, आपकी बात से स्पष्ट हो रहा है कि आप कार्यदायी संस्था के कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया एक निर्धारित कानून के तहत होती है, हमारा रिकमेंडेशन करने का प्राविधान है, वो मैं करूंगा अपने स्तर से। बाकी ये ADB के चूँकि पैनल में लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ये ऊंचे स्तर से इस पे कार्रवाई होगी। आपके स्तर से इस कायदाई संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी? जी जी।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।